जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी, आपको पता है इसका एग्जाम भी होने वाला है। नई वैकेंसी SSGD भी आ गई है, इसका एग्जाम भी होने वाला है। यानी SSGD का एग्ज़ाम भी आपको पता है अगस्त में, नई वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और इधर रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो भी चल रही है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्त। तो ये कईयों का क्वेश्चन रहता है कि सर रेलवे ग्रुप डी ज़्यादा बेटर है या SSGD ज़्यादा बेटर है, इनमें से जॉब किसकी बेटर है। क्योंकि आपको पता है कि SSGD में जैसे आप अगर CRPF, BSF, CISF, NIA या SSF या असम राइफल, ITBP, इन इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फोर्स ज्वाइन करने के। और रेलवे ग्रुप डी में जैसे ट्रैकमैन हो गया या जितनी भी उसमें कैटेगरी आती है, ट्रेकर, गुड्स गार्ड, जितनी भी प्रकार की जो उसमें कैटेगरी आती है, तो उनमें से जॉब का अगर कंपेयर करें तो कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी दोस्त। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी है और SSGD है, अगर आप इनकी अभी प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी दोनों एग्ज़ाम की करनी चाहिए। किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट मान के आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों वैकेंसी काफ़ी बड़ी है। आपको SSGD का अभी रिजल्ट देखा है किस प्रकार से रिजल्ट रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मेरी 100 से भी पार कर रही है, मतलब 105 नंबर भी आ सकते हैं, 100 में से कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में गुणांक होते हैं और उसमें आपको पता है जिसके 83 नंबर थे उसके 99 हो गए, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो अगर इस प्रकार से नंबर इस प्रकार से जंप कर रहे हैं तो आप देखिए दोस्तों कि मतलब 100 से पार भी जा सकते हैं। तो ज़रूरी डिपेंड नहीं करता कि आपकी केवल तैयारी कितनी अच्छी है, या आप SSGD में अगर दिन रात लगे हो, रेलवे ग्रुप डी का आपके पास में ऑप्शन है, तो आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के केवल ग्रुप SSGD करो। अगर आपकी प्रायोरिटी जॉब है, देखो दो टाइप की तैयारी होती है, एक होती है कि आपको जॉब की तैयारी करनी, एक होती है आपका जो दिल से चाहते हैं कि आप फौजी बने, या आपको जॉब चाहिए। तो इन दोनों में अगर आप दोनों को अगर दिल से चाहते हैं फौजी बने, तो आप SSGD पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप चाहते हो कि प्रेजेंट टाइम में मेरे घर की जो नीड है या मेरे परिवार की जो नीड है या प्रेजेंट टाइम में जो मेरी परिस्थितियाँ, उसमें जॉब मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे को जॉब चाहिए, चाहे कैसी भी जॉब चाहिए, तो दोस्तों मैं बता दूँ, पहले तो दोनों की तैयारी करें। इनका सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए दोनों की तैयारी करें। रेलवे में चाहे आप कोई से भी ट्रेड में दे, उसमें जितने भी ट्रेड हैं उनमें से कोई भी दे, SSGD भी आपको पता ही है। तो बेटर की अगर बात करें तो आपको पता है कि उसकी बेसिक पे स्केल और SSGD का बेसिक पे लेके इसमें भी काफ़ी अंतर है। और ये एक इज्जत वाली अलग ही जॉब है, आपको पता है कि इसमें वर्दी पहनने का जो सुकून मिलता है, वर्दी किसी ब्रांड से कम नहीं होती, चाहे आप CRPF में हो, चाहे BSF में हो, ITBP, CISF, असम राइफल, NIA, SSF, इसमें जाके आप NSG कमांडो बन सकते हो, कोबरा कमांडो बन सकते हो, SPG कमांडो बन सकते हो, VIP प्रोटेक्शन में, VIP जो बटालियन उनमें ड्यूटियां कर सकते हो। तो मतलब बहुत आपके पास में अवसर रहते हैं। ग्रुप डी में आपके पास में वो अवसर थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको ग्रुप डी के लेवल का ही जॉब करना रहता है। तो उसकी और इसकी अगर बात करें हम रिस्पेक्टेड के बारे में, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि SSGD बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप जॉब के हिसाब से देख रहे हो, तो दोस्तों मेरी मानिए आप दोनों की तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ग्रुप डी की वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है और SSGD की वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिलहाल दोनों की तैयारी करिए। लेकिन आपको एक मैं बता दूं कि ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है SSGD में, लेकिन SSGD की जो मेरिट है, GD की जो मेरिट है, वो काफ़ी अप जाती है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। इफ़ योर लक गुड, आपका नंबर आ सकता है, लेकिन अगर लक बेड हो तो आप रह भी सकते हो दोस्तों। तो इसलिए आपको प्रेजेंट टाइम में केवल एक ही टारगेट नहीं बनाना। जब SSGD का एग्ज़ाम की फिक्स फॉर्म एप्लीकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, फिक्स सीटें डिवाइड हो जाए, उसके बाद में आपके जो अगला टारगेट है उसको टारगेट निश्चित करके फिर पढ़ाई करना। तब तक आप कंपलसरी पढ़ाई करिए, सभी की पढ़ाई करिए, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा। बेटर की अगर बात करें कि ग्रुप डी बेटर है या SSGD, तो बेटर तो SSGD है। लेकिन अगर आप जॉब के क्राइटेरिया, ग्रुप डी में आपके रिस्क नहीं है, फौजी तो जहाँ रिस्क फिक्स वहाँ फौजी फिक्स, तो SSGD के जो जॉब, जितने भी डिपार्टमेंट के जॉब है उनमें हल्की फुल्की आपको पता है रिस्क है, काफ़ी रिस्क वाले भी जॉब है, क्योंकि ये देशभक्ति वाले जॉब है। आपको सबको पता है कि फोर्स की जो भी जॉब है वो देशभक्ति वाली जॉब है, इसमें त्याग तपस्या है ही है पक्का। हाँ, माना एक जॉब के रूप में भी इसको आप देख रहे हो, या कोई भी इंसान देख रहा है, क्योंकि परिवार की नीड, पैसा भी है, आज जीवन जीने के लिए पैसा भी एक शरीर, मान ली शरीर का अंग नहीं है लेकिन अंग से कम भी नहीं है। जिस प्रकार चलने के लिए दो पैर है, पैसा भी एक तीसरा पैर है, वो चलने के लिए, जीवन में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब जॉब के क्राइटेरिया से भी इसको देखते हो, तो अगर पे स्केल से भी देखो तो भी SSGD बेटर है। हाँ, रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है, ग्रुप डी में रिस्क कम है, लेकिन जिसका फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो SSGD की तैयारी कर सकता है। उसको यहाँ पर कंपटीशन कम मिलेगा वहाँ के बदले,
क्योंकि उस यहाँ पर फिजिकल का क्राइटेरिया उसमें भी कई लोग बाहर हो जाते हैं, मेडिकल के क्राइटेरिया में भी कुछ लोग ज़्यादातर बाहर हो जाते हैं, जबकि रेलवे में आपको पता है कि विकलांगों को भी आरक्षण मिल जाता है, रिजर्व सीटें भी मिल जाती है, उसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो गया। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, माइंड थोड़ा सा कम चलता है, तो भी आप ऐसे जीडी की तैयारी करें। इसका सिलेबस भी आपको पता है, उसमें सिलेबस भी फिक्स सिलेबस नहीं है कि भाई इतना ही आएगा, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी आता है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। हर एक पेपर उसका अलग टाइप का होता है, नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है एस एस सी जी डी में, टफ पेपर के अनुसार नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा है। और पेपर का एक फिक्स क्राइटेरिया बना हुआ है इसमें कि भाई आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 हिंदी के, 25 रीजनिंग के, 25 हिंदी के, या हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में इनमें से तो ये क्वेश्चन आने, तो ये एक फिक्स क्राइटेरिया, तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन उसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसमें इतना ही क्वेश्चन आएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ भी रहेगा, लेकिन तैयारी दोनों के साथ चलते रहना, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो आपके अगर पास में ऑप्शन है ना वो, तो ज़रूर उसकी भी तैयारी करें। इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, अगर स्टेट पुलिस से कंपेयर करूँ कि सर स्टेट पुलिस बेटर है या एस एस सी जी डी बेटर है, देखिए अगर जॉब के तौर पर देख रहे हो तो मैं फिर बता रहा हूँ स्टेट पुलिस बेटर है। क्यों? क्योंकि स्टेट पुलिस में होता क्या है कि आप जिस दिन आपको ज़रूरत होती है आप घर चले जा सकते हो, एक महीने में दो बार चार बार भी चले जा सकते हो अगर आपके घर पे कोई आवश्यक काम है। लेकिन एस एस जी डी का कोई भी जॉब है उसमें इस प्रकार की आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको सब पता है सी आई एस एफ में 45 दिन की छुट्टी है, सी आर पी एफ में 75 दिन की छुट्टी है, बी एस एफ में 75 दिन की छुट्टी है, एस एस बी में 75 दिन की छुट्टी है, आई टी बी में 75 दिन की छुट्टी है, असम राइफल में भी 75 दिन की छुट्टी है। 75 दिन की छुट्टी इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक छुट्टी काटो, नहीं, आपको तीन बार या चार बार घर पे जाने का मौका मिलता है, यानी तीन या चार आप बड़े फंक्शन अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेट पुलिस में हो तो आपको फैमिली रखने की सुविधा अच्छी मिल जाती है, और घर के आसपास में ड्यूटी रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती, अपने स्टेट में ही रहते हो, तो वो एक अच्छा माहौल आपके लिए रहता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी ड्यूटी कहीं पे भी हो सकती है, फैमिली रखने की कोई गारंटी नहीं कि आपको फैमिली परमिशन हर जगह मिले, क्योंकि अगर आप कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हो ना भी मिले, छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रहे हो ना भी मिले, या किसी हाई अलर्ट एरिया में ड्यूटी करें तो वहाँ परमिशन ना भी मिले। तो अगर कंपेरिजन करा जाए तो स्टेट पुलिस ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, अगर आप दोनों में अगर सिलेक्शन होता है, और अगर आप जॉब के तौर पे देख रहे हो तो स्टेट पुलिस बेटर है। लेकिन अगर आपका वही बात है ना कि कईयों को चाला होता है वर्दी पहनने का, तो उनके लिए तो हमेशा ही फौज बेटर रहेगी। जैसे मेरे को था कि भाई वर्दी पहननी है तो मेरे लिए फौज बेटर रही, तो वो तो सोच डिपेंड करता आपके पे। लेकिन अगर जॉब के स्तर पे देखें तो आई थिंक अगर आप स्टेट पुलिस में लग रहे हो तो बिल्कुल स्टेट पुलिस ज्वाइन कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि देश सेवा केवल आर्मी करती है या फोर्स ही करती है, कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी करती है, आप पुलिस में रह के भी देश सेवा कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ आप अगर पुलिस में नहीं भी हो तो भी देश सेवा कर सकते हो, किसी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि यही केवल देशभक्त है, ऐसा कोई नहीं है, आप देशभक्ति वहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर जॉब के नज़रिए से देखो तो स्टेट पुलिस में जॉब करना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और क्योंकि उसमें फैमिली की आपको सुविधा मिल जाती है, आज के टाइम में फैमिली के साथ रहने का मौका अगर आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बेटर है। फौज की आपको लाइफ पता ही है, इसीलिए फौजियों की इज्जत होती है, क्योंकि वो इतना बड़ा त्याग करते हैं, इस प्रकार के त्याग करते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, रिस्पेक्टेड वर्दी चाहिए या ब्रांड वर्दी चाहिए, तो फिर आपके लिए फौज बेटर है, उसमें कोई शक नहीं है। जिनको सपना होता है फौजी बनने के लिए, उनका तो हमेशा ही फौज बेटर है, उनके लिए बाकी सब जॉब है फौज बेटर है, चाहे उसके सामने कलर आ जाए, कोई भी आ जाए चाहे, लेकिन उनके लिए केवल फौज ही बेटर है। तो उनके लिए तो हमेशा फौज बेटर रहेगी, लेकिन आप जॉब किस तरफ देख रहे हो तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए, ये माइंड में लेके चलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।